क्या हुआ है आमिर? कब से मैं देख रही हूँ तुम जब से ऑफिस से आए हो खुश नहीं दिख रहे। प्रमोशन तो किस्मत वालों को मिलती है ना, तुम्हें क्या हुआ है? आपको सच में लगता है मैं किस्मत वालों को? हाँ बिल्कुल, ये प्रमोशन बेटा तुम्हारी दिन रात की मेहनत का नतीजा है। काश आप जो कह रही हैं वो सच होता। आप जानती हैं ये प्रमोशन, ये अप्रिसिएशन, ये सब एक दिखावा है। ये घर, गाड़ी, ये लग्जरीज देके वो मुझे अपनी बेटी के काबिल बनाना चाहती हैं। मुझे ये जता रही हैं कि मैं अभी उनकी बेटी के काबिल नहीं हूँ। लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, सवेरा मुझे वैसे ही अपना। That's it। तो तुम क्या करने वाले हो आमिर? क्या तुम ये मौका गवा दोगे? इतनी बड़ी कामयाबी से मुंह मत मोड़ो। अगर वो सवेरा के मुस्तकबिल के लिए ये सब कर रही हैं, तो इसे अपनी अना का मसला मत बनाओ। बेटा अपने अंदर थोड़ी लचक पैदा करो। शी इज अ वेरी नाइस गर्ल। और तुमने सिर्फ अपने लिए नहीं, सवेरा के लिए भी फैसला करना है। बाकी तुम्हारी मर्जी। चाय पी लो, चलो। थैंक यू। उसका दिमाग खराब है, वो इसलिए तुमसे लड़ रहा है कि मैंने उसका प्रमोशन किया है। मैम आप उसे नहीं जानती हैं, वो ऐसा नहीं है। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ इन छोटे लोगों को। इनकी सोच इनकी औकात से आगे नहीं बढ़ती। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम उसके साथ कभी एडजस्ट नहीं कर सकोगी। नहीं प्लीज, वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और जब पसंद की बात आ जाए तो ये ऊंच नीच नहीं देखी जाती। प्लीज तुम अपने फैसले कर चुके, अब इसके फैसले में मत बोलो। हर इंसान अपना अच्छा बुरा फैसला खुद कर सकता है। बेटा अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। मॉम प्लीज, जब भी मेरा आमिर के साथ झगड़ा होता है आप हमेशा मुझे यही एडवाइस क्यों देती हैं कि मैं ब्रेकअप कर लूं? हमारे दरमियान जो भी नाराजगी आई वो दूर भी तो हो सकती है। अजीब पागल लड़की है, मैं इसकी मुस्तकबिल की बात कर रही हूँ और ये अपनी माँ को ही दुश्मन समझ रही है। चमी रिलैक्स प्लीज। ऐसा क्यों है मेरी हर छोटी छोटी बात लोगों को बुरी लगती है? अब आमिर ने जो कुछ किया है उस पर भी ना बोलूं। माजरत के साथ आंटी जी, मुझे तो लगता है कि आपको खुश होना चाहिए कि आमिर एक जिम्मेदार इंसान है। ओह, अब तुम मेरी बेटी का मुस्तकबिल मुझसे ज्यादा बेहतर जानती हो। कहीं तुम्ही ने तो उसका दिमाग नहीं मर गलाया? अब किसी और का गुस्सा आप उस पर तो ना निकालें। और वैसे भी वो भाग रखती है इस घर में कोई राय देने के लिए, ऐसे तो ना करें प्लीज।